हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो आज का हमारा टॉपिक काफी ज्यादा मजेदार है। आप सभी के कमेंट आ रहे थे कि सर हिंदी में निबंध को करवा दीजिए, तो आप सभी रसगुल्लों की डिमांड पर आज हम देखने वाले हैं निबंध को। और आपको बता दें बच्चों, ये जो निबंध वाला टॉपिक होता है ना, ये बहुत ही अहम होता है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आपके नंबर को इंक्रीज करने में इसका योगदान बहुत ज्यादा होता है। ये टॉपिक बच्चों आपका बोर्ड एग्जाम में, अगर हम बात करें तो ये टॉपिक 9 नंबर में पूछा जाएगा, और 9 नंबर रसगुल्लों बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो आज के इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि आपके हिंदी के अंदर कौन ऐसे निबंध हैं जो आपको तैयार करना है, और हम करवाएंगे रसगुल्लों, उसकी टेंशन आपको नहीं लेना है। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों। सबसे पहले हम बात करें तो जो निबंध है, आप समझ लीजिए आपके हिंदी के अंदर 5 सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले निबंध हैं, ठीक। उनमें से 5ों में कौन कौन से हैं, चलिए देख लेते हैं। पहला, अगर हम बात करें बच्चों, तो जो पहला है आपका वो है भारतीय किसान समस्याएं और समाधान। ये काफी ज्यादा पूछा जाने वाला निबंध है, काफी क्या, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला निबंध है, ठीक। तो ये बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, भारतीय किसान की समस्याएं और समाधान, ठीक है। दूसरा है बच्चों पर्यावरण प्रदूषण, इसमें भी वही चीज, समस्या और समाधान, ठीक है ना, इसमें भी वही चीज है कि समस्या और समाधान कैसे करना है। तीसरा है आतंकवाद, ठीक, इसमें भी समस्या क्या है और कैसे समाधान कर सकते हैं। और नेक्स्ट है 4 नंबर जो है वो है जीवन में खेल कूद का महत्व, ठीक है ना, जीवन में खेल कूद का महत्व क्या है। और अगला है बच्चों 5वां भ्रष्टाचार, इसमें भी कारण एवं निवारण। ये 5 ऐसे हैं रसगुल्लों जो आपके हर साल पूछे जाते हैं, और हिंदी में तो सबसे ज्यादा सेट बनते हैं। तो ये जो 5 हैं बच्चों, ये 5 आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी हर साल पूछे जाने वाले निबंध हैं। इनके अलावा भी है, मेरा प्रिय कवि है, मेरा प्रिय साहित्यकार है, इस तरह से करके आपके, यानी एक है जैसे हम बात करें बेरोजगारी, तो ऐसे और आपके 2 से 3 है, लेकिन 5 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों, इसमें से सारे इंपॉर्टेंट में से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम बात कर रहे हैं भारतीय किसान समस्याएं और समाधान। हमने इसको लिख भी दिया है, और ये कोई फेक तरीके से नहीं लिखा है कि हाँ भाई चलिए यूं ही लिख दीजिए बच्चों को चूतिया बनाने के लिए, नहीं रसगुल्लों, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो भी ये निबंध है, इसमें जो कुछ भी लिखा है वो हमने खुद से टाइप किया है, अच्छे तरीके से उसको लिखा है, ताकि कितना भी वीक स्टूडेंट हो इजिली समझ पाएगा, ठीक। तो भारतीय जो किसान समस्याएं और समाधान, ये देख सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और यहां से आप सन भी देख सकते हैं कि भाई 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में और 23 में भी पूछा गया है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई 24 में ना आए, क्योंकि ये आज के समय की एक आम समस्या बन चुकी है कि जहां देखो भाई किसान क्या कर रहे हैं, भाई फांसी लगा रहे हैं, मर रहे हैं, कोई कर्जा में डूब जा रहा है, तो कोई डिप्रेशन में चला जा रहा है, मतलब बहुत सारी समस्याएं भारतीय किसान के साथ हो रहा है। तो यहां पर जो भारतीय किसान समस्याएं और समाधान पे, चलिए देख लेते हैं किस तरह से हम लिखेंगे बच्चों। सबसे पहले आपको हेडलाइन बनाना है, प्रस्तावना, प्रस्तावना में हाइलाइटेड पॉइंट यानी मेन पॉइंट लिखा जाता है। क्या लिखेंगे कि ग्रामीण भारतीय सभ्यता के प्रतीक हैं। जो ग्रामीण भारतीय हैं वो क्या है बच्चों, सभ्यता के प्रतीक हैं, और भोजन एवं अन्य जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो गांव ही पूर्ण करते हैं। हमें पता है कि भाई शहरों में क्या, शहरों में तो लोगों को लगता है कि अनाज वगैरह उगाना बहुत ही आसान होगा,
हम तो वीआईपी बैठ करके अच्छे से खा रहे हैं, लेकिन जो उपजाता है उसको मालूम है कि भाई किस तरह से अनाज पैदा होते हैं। आप सब भी एक गरीब परिवार से होंगे या किसान परिवार से होंगे तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि भाई एक किसान पर क्या बीतती है। आगे लिखेंगे बच्चों कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार गांव ही है, यानी अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है, गांव ही है। यदि गांव का विकास होगा तभी क्या होगा बच्चों, देश का भी विकास होगा। यानी गांव का विकास होगा तभी जाकर के देश का विकास होगा। बात समझ में आई? चलिए अब प्रस्तावना के बाद आपको क्या लिखना है रसगुल्लों, चलिए हम देख लेते हैं। प्रस्तावना के बाद आप लिखेंगे क्या चीज, हम स्टार्ट कर देते हैं समस्या। तो लिखेंगे किसानों की सामाजिक समस्याएं। तो किसानों की सामाजिक समस्याओं के अंतर्गत क्या समस्याएं हैं, लिखना है कि गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन तथा परिवहन के साधनों की उचित व्यवस्था नहीं हो सकी है। ठीक है ना, किस किस चीज के लिए बच्चों, गांव में, यहां पर देखिए कॉमा लगाना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन तथा परिवहन के साधनों की उचित व्यवस्था नहीं हो सकी है। हम सभी जानते हैं बच्चों क्या है कि आज भी गांव में, मतलब बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर बहुत ज्यादा पिछड़ापन है, ना तो वहां कोई एजुकेशन है ढंग से, ना कोई स्वास्थ्य की व्यवस्था है ना, कोई बीमार पड़ता है सही से इलाज नहीं हो पाता, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाओ तो मनमानी करते हैं भाई, क्योंकि उनको कहते हैं ना जाने दो सरकारी हॉस्पिटल है, क्या मतलब है भाई, हम लिख कर दे देंगे इधर उधर कि हाँ ऐसे मर गया। तो आप सब इस सब बात को अच्छे से समझते हैं। फिर आगे लिखेंगे बच्चों कि जिसके कारण भारतीय किसानों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यानी गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन और परिवहन के जो साधनों की उचित व्यवस्था नहीं हो सकी है, जिसके कारण भारतीय किसानों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ठीक, आगे लिखना है कि वह साधनों के अभाव में अपने बच्चों के लिए क्या शिक्षा का सही प्रबंध नहीं कर पाते हैं। ठीक, भी साधन ही नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है कि कोई भी माता पिता अपने बच्चों के लिए क्या है, कोई भी मतलब उचित व्यवस्था नहीं करते हैं सकते हैं उनकी शिक्षा के लिए। फिर आगे लिखेंगे कि जो उनके पिछड़ेपन का एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक, यानी संसाधनों का जो भी साधन है, अगर साधनों का अभाव होगा तो बच्चों को सही से शिक्षा नहीं दी सकती है, मतलब दी जा सकती है, जिसके कारण क्या होगा भाई, जाहिर सी बात है बच्चों पिछड़ापन आएगा। ठीक, तो ये आपको सामाजिक समस्याओं के अंतर्गत लिखना है। अब हम हेडिंग बनाएंगे आर्थिक समस्याएं कि भारतीय किसान में या फिर कह लें गांव में, ठीक, क्या आर्थिक समस्याएं हैं। तो लिखेंगे बच्चों कि गांव के अधिकांश किसानों की जो आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। ठीक है ना, अधिकांश गांव, देखिए कहीं कहीं पर तो भाई ये योजनाओं का लाभ मिल जाता है, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं बच्चों जहां तक योजनाएं पहुंच ही नहीं पाती हैं। तो वही चीज की गाँव के अधिकांश किसानों की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही खराब है। ठीक है ना, फिर आगे लिखना है कि उनकी उपज का उचित मूल्य उन्हें नहीं मिल पाता है। ठीक, मतलब उनकी उपज का उचित मूल्य उन्हें नहीं मिल पाता है और पैसे के अभाव में वह अच्छी पैदावार भी नहीं कर पाते हैं। ठीक, जिसके कारण गांव में निर्धनता, भूखमरी और बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है। जाहिर सी बात है बच्चों अगर उपज अच्छी नहीं होगी तो उनका मतलब उन फसलों का दाम अच्छा नहीं मिलेगा, दाम अच्छा नहीं मिलेगा आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी, आर्थिक स्थिति बिगड़ जाएगी तो बच्चों को एजुकेशन कहाँ से मिलेगा। इसके कारण होगा क्या, अगर उचित शिक्षा नहीं मिलेगी तो भाई क्या गरीबी, ठीक, यानी गरीबी हो गया, भुखमरी हो गया, बेरोजगारी हो गया, ये सभी क्या होंगे चरम सीमा पर होंगे, यानी ये सब क्या होंगे प्रबल हो जाएंगे। ठीक, तो ये आर्थिक समस्याओं में आपको लिखना है। 9 नंबर की बात है तो आपको थोड़ा थोड़ा ही लिखना है लेकिन हेडलाइंस जरूर बनाना है। चलिए आगे देख लेते हैं बच्चों आर्थिक समस्याओं के बाद, आर्थिक समस्याओं के बाद हम आ जाते हैं गांव की वर्तमान स्थिति, यानी गांव की स्थिति आज के समय में कैसी है। तो चलिए देख लेते हैं गांव की वर्तमान स्थिति, आपको हेडलाइन बनानी है। लिखेंगे बच्चों कि गांव में आज भी पक्की सड़कों का अभाव है।
ठीक। आज भी गांव में क्या है, पक्की सड़कों का अभाव। हालांकि माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा क्या है, हर जगह शिलान्यास हो रहा है, जहां देखो सड़कें चमक रही है, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर क्या है बच्चों, पक्की सड़कों का अभाव है। फिर आगे लिखेंगे, शिक्षा स्वास्थ्य तथा मनोरंजन के साधनों की उचित व्यवस्था नहीं है। फिर आगे लिखना है कि बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर है तथा संचार के साधनों, ठीक, उसके बाद पेयजल निर्देशन एवं परामर्श संबंधी सुविधा का क्या है बच्चों, अभाव है। ठीक है ना, देखिए जाहिर सी बात है, जब संचार के साधन का मतलब क्या है, वे टेक्नोलॉजी का कोई ज्ञान ना हो, ठीक, पेयजल यानी पीने वाला पानी साफ सुथरा ना मिले, निर्देशन मतलब उनको कोई निर्देश देने वाला ना हो, परामर्श यानी कोई अच्छी सलाह देने वाला ना हो, तो इसके कारण होगा क्या बच्चों, ठीक, अगर इन सब का अभाव हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि भाई बेरोजगारी क्या हो जाएगी, चरम सीमा पर हो जाएगी। आगे लिखना है कि विगत वर्षों से, ठीक, अच्छी बरसात ना होने के कारण खाद्य उत्पादन में भी कमी आई है। ठीक, यानी कुछ वर्षों से अगर हम बात करें, सन 2002 के बाद से आज तक कोई अच्छी ठीक ठाक बारिश नहीं हुई है, जिसके कारण सूखा पड़ जाता है, सूखा पड़ जाएगा भाई उपज नहीं होगी, उपज अच्छी नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि हाँ पैदावारी कहाँ से होगी, है ना, पैदावारी नहीं होगी, पैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा गरीबी छाएगी, तो ये सारे कारण होते हैं। फिर उसके बाद हम हेडिंग बनाएंगे किसानों की समस्याओं का समाधान। अभी तक तो हम समस्याएं देख रहे थे, अब किसानों की समस्याओं का समाधान कैसे कर सकते हैं, तो इसके अंतर्गत हेडिंग बनाना है विज्ञान का योगदान, कि कृषि के क्षेत्र में विज्ञान का क्या योगदान है वो देख लेते हैं। लिखेंगे बच्चों की जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरा स्थान है। ठीक है ना, यानी भारत का विश्व में क्या है, दूसरा स्थान है। हमें पता है बच्चों पहला स्थान कौन है, कमेंट में बताइएगा। ठीक, तो जनसंख्या की वृद्धि से क्या है, भारत का स्थान विश्व में दूसरा है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, आबादी है। आगे लिखेंगे, लेकिन फिर भी आज उर्वरकों, ठीक, उर्वरकों बोले तो जो खाद वगैरह है बच्चों, ठीक, बुआई कटाई के आधुनिक साधनों, कीटनाशक दवाइयों तथा सिंचाई के साधनों ने खेती को क्या किया है, अत्यंत सुविधाजनक एवं सरल बना दिया है। ठीक है ना, हालांकि ये बात सच है कि भाई क्या है, संसाधनों की कमी है, लेकिन क्या है मतलब जनसंख्या भी ज्यादा है, लेकिन फिर भी क्या आज टेक्नोलॉजी थोड़ा एडवांस इस तरह से हो रही है कि यहां पर हमने बताया ना कि उर्वरकों जो क्या है रासायनिक उर्वरक हैं, मतलब बुआई कटाई के आधुनिक साधन आप देख रहे होंगे भाई, अब तो आलू खोदने की मशीन आ गई, गेहूं काटने की मशीन आ गई, धान काटने की मशीन आ गई, हर एक तरफ मशीन ही मशीन आ रहे हैं, है ना। तो वही बुआई कटाई के आधुनिक साधनों, कीटनाशक दवाइयों और उसके बाद सिंचाई के साधनों, ठीक, ने खेती को अत्यंत सुविधाजनक एवं सरल बना दिया। सरल का मतलब यह है बच्चों टाइम क्या है, बच जाता है, यानी समय बच जाता है, समय की बचत होती है। ठीक है ना, चलिए अब आगे देख लेते हैं आगे क्या लिखना है हमें। आगे लिखेंगे नवीन योजनाएं, कौन कौन सी नवीन योजनाएं हैं, यानी नई योजनाएं हैं। ठीक है ना, तो देखिए नवीन योजनाओं के तहत लिखेंगे कि गांव के विकास हेतु सरकार के द्वारा नवीन योजनाओं का शुभारंभ किया जा रहा है। ठीक, सरकार के द्वारा क्या है, किसानों के लिए नवीन योजनाओं का यानी नई योजनाओं का शुभारंभ किया जा रहा है। गांव में परिवहन, विद्युत, सिंचाई के साधन, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की व्यवस्था के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है ना, अब देख रहा आपने देखा होगा बच्चों की क्या है, परिवहन यानी आवागमन के लिए सुविधा, उसके बाद सिंचाई के साधन, देखिए विद्युत का मतलब क्या है, अब तो देख रहे होंगे कि सोलर पैनल वाला सिस्टम आ रहा है, समरसेबल में भी पैनल की व्यवस्था हो रही है, उसके लिए भाई क्या है आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, उसमें पैसे आपको बहुत ही ज्यादा पे नहीं करने होते हैं, इस तरह से योजनाओं के तहत ये सारा सिस्टम है। ठीक, फिर आगे लिखेंगे आधुनिक कृषि यंत्र खरीदने के लिए विभिन्न प्रकार के अनुदान दिए जा रहे हैं, यानी जो भी कृषि यंत्र खरीदना होता है ना, ट्रैक्टर वगैरह होता है आपको भाई, रोटावेटर वगैरह, उसके जो हल वगैरह होता है उसमें खरीदने के लिए, और भी जो मशीन वगैरह खरीदना है, ठीक, भूसा मारने के लिए मशीन खरीदना है, तो इन सब के लिए क्या है आपको अगर खरीदना है तो भाई सरकारी तरफ से, कृषि की तरफ से कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसमें आपको पैसे थोड़ा कम देने पड़ते हैं, है ना, इस तरह से होता है बच्चों। तो ये होती है नवीन योजनाएं। अब हम बात कर लेते हैं कि ग्रामीण विकास बैंक,
ठीक, यानी ग्रामीण विकास बैंक क्या है। इसमें लिखेंगे बच्चों कि किसानों के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई है। ठीक, यानी किसानों के लिए क्या की गई है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य क्या है बच्चों, जिसका उद्देश्य कृषि, लघु उद्योग, ठीक, लघु उद्योग के बाद कुटीर उद्योग और उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए ऋण उपलब्ध कराना है। ठीक, ये ग्रामीण विकास जो बैंक की स्थापना की गई है, इसका सिर्फ एक ही पर्पस है कि मतलब जैसे क्या करना है, कृषि के लिए यानी खेती के लिए बच्चों, फिर लघु उद्योग करना है कोई आपको, कोई कुटीर उद्योग करना है, साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य आर्थिक गतिविधियां यानी और कुछ भी आपको कुछ करना है कृषि के क्षेत्र में, देन क्या कर सकते हैं आप, मतलब ऋण, इस बैंक से ऋण ले सकते हैं जिसमें ब्याज दर वगैरह बहुत कम होती है। तो ऐसे सब सिस्टम है, ठीक है ना, ग्रामीण विकास बैंक का, तो इसके लिए स्थापना की गई है। ठीक, चलिए अब आगे देखेंगे हम क्या लिखेंगे आगे बच्चों, आगे हमें लिखना है उपसंहार। ठीक, उपसंहार में बात करते हैं, देखिए उपसंहार में लिखा क्या जाता है, उपसंहार में लिखते हैं बच्चों फाइनली जो मतलब जो अभी तक आपने देखा उसका पूरा निचोड़। उपसंहार के अंतर्गत चलिए देख लेते हैं क्या लिखेंगे, उपसंहार के अंतर्गत लिखना है गांव की उन्नत भारत के आर्थिक विकास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है, यानी जो गांव की उन्नत है वो भारत के आर्थिक विकास में, ठीक, अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जाहिर सी बात है बच्चों, हमने वही चीज कहा ना कि भाई एक देश तभी तरक्की करेगा जब क्या है, कृषक स्थिति यानी किसानों की स्थिति या कृषि क्षेत्र में विकास होगा। ठीक, तो वही है कि गांव की जो उन्नत है वो भारत के आर्थिक विकास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। फिर आगे लिखना है कि गांव में शिक्षा, ठीक, स्वास्थ्य, सफाई आदि की व्यवस्था के प्रयास किए जा रहे हैं। आगे लिखना है कि कृषि के लिए अनेक सुविधाएं जैसे अच्छे बीज, अच्छे खाद और उसके बाद अच्छे उपकरण और सुविधाजनक ऋण, ठीक, ऋण, हाँ, व्यवस्था आदि देने का प्रबंध किया जा रहा है। ठीक, यानी इससे क्या होगा, कृषि के क्षेत्र में थोड़ा क्रांति आएगी, अच्छी उपज होगी, किसान खुशहाल होंगे, उनकी स्थिति में सुधार होगा, यानी उनकी समस्याओं का निवारण होगा। तो इस तरह से आप बहुत ही सिंपल तरीके से एक प्यारा सा निबंध लिख सकते हैं। 9 नंबर की बात है रसगुल्लों, इसलिए इस टॉपिक को तो तैयार करना ही होगा, एक एक नंबर के लिए इतना कुछ करना पड़ता है, तो यहां तो बात है 9 नंबर की। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद है तो प्यार से एक लाइक कर देना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।